मामला कांकेर थाना का है, जहां चमन साहू द्वारा शिकायत करने पर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ सीएम भूपेश बघेल पर आपत्तिजनक एवं अश्लील टिप्पणी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार चमन साहू दोपहर में अपना फेसबुक चला रहा था, उसी दौरान उसने देखा कि आरोपी खिलाड़ी मोहित नामक व्यक्ति द्वारा अपने फेसबुक अकाउंट खिलाड़ी मोहित के माध्यम से सीएम भूपेश बघेल के ट्विटर अकाउंट का स्क्रीनशॉट लेकर दिनांक 6 अप्रैल 2020 सुबह 5:52 के बीच में अपने फेसबुक आईडी से सीएम बघेल के खिलाफ आपत्तिजनक अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हुए सार्वजनिक रूप से पोस्ट किया गया है। और उसी पोस्ट पर आरोपी करण यादव द्वारा अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हुए टिप्पणी की गई है। आवेदक चमन साहू के लिखित सूचना पर धारा 112, 292, 294, 34 भारतीय दंड विधान 67 क के तहत आईटी एक्ट पंजीबद्ध कर पुलिस ने आरोपी मोहित और करण यादव को विवेचन में लिया है। दिनांक को थाना कोतवाली में 5 लोगों के द्वारा आवेदन पत्र दिया गया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी एवं आपत्तिजनक टिप्पणी करने के संबंध में आवेदन पत्र था, जिसके अवलोकन पर फेसबुक में मोहित और करण यादव नाम के जो लड़का है, जो लोकल कांकेर के रहने वाले हैं, उनके द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी करना पाया गया, जिस पर संज्ञेय अपराध का घटित होना पाए जाने पर आईटी एक्ट के धारा के तहत दोनों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करके आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इस प्रकार से कांकेर जिले में कई प्रकरण आए हैं, जिसमें आपत्तिजनक फेसबुक में टिप्पणी किया जाने पाया गया है, जिस पर तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई कांकेर पुलिस के द्वारा पूर्व में भी की जा रही है, की गई है और अभी भी कर रहे हैं। इस संबंध में मैं जिले के समस्त निवासियों को कांकेर पुलिस की तरफ से अपील करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक पोस्ट, आपत्तिजनक टिप्पणी फेसबुक में, मोबाइल में, व्हाट्सएप में या सोशल मीडिया में ना डालें, अन्यथा कड़ी से कड़ी उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। कल मैंने फेसबुक चला रहा था बहुत दिनों बाद, तो कल मैंने देखा कि एक हमारे मोहित खिलाड़ी नाम का आईडी है, कांकेर का निवासी है, उन्होंने सीएम साहब के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट को स्क्रीनशॉट लेके उसके ऊपर लिखा था कि आपके जो मर्जी है, अपनी मर्यादा, मतलब जो भी आपकी मर्जी है आप गाली दे सकते हैं, ऐसा उनका पोस्ट था। उसमें उस पोस्ट में जाके मैंने देखा तो एक करण यादव नाम का लड़का ने सीएम साहब को गाली दी है, तो मुझे बहुत हर्ट हुआ, क्योंकि मैं एक पार्टी का एक कार्यकर्ता भी हूँ और उसके नाते वो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, और ऐसा आप शब्द का प्रयोग एक मुखिया के लिए और किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। तो मैंने पूरे अपने कुछ लोगों को बताया, पार्टी के लोग भी इससे नाराज़ है, कांग्रेस पार्टी के लोग भी इससे नाराज़ हैं, तो हम लोग तुरंत गए, मैंने शिकायत दर्ज कराई, कुछ लोग गवाह भी हैं और जाके FIR कराया। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IDP24 न्यूज। और हाँ, YouTube में हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।